तीसरा सबसे मेजर कंफर्मेशन आपको मिलने वाला है कि डी मार्कर के जो बार होनी चाहिए 0.5 की लाइन के ऊपर होनी चाहिए, और कम से कम भाई साहब 3 बार का वेट करोगे, कम से कम 3 बार का। देखिए यहाँ से हम वेट करते हैं, 1-2-3 अभी मार्केट यहाँ था, लेकिन 4-5 थोड़ा सा यहाँ कट का कंफर्मेशन ले लेंगे क्रॉस ओवर का, उसके बाद आप देखोगे बार्स कंटिन्यूअसली अबव बन रहे हैं। आराम से हम क्या करेंगे ऐसे प्लेस पे 1 मिनट का अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करेंगे। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और देखिए अपनी स्ट्रेटजी बेसिस मैंने कुछ ट्रेड लगा रखा है, अभी कुछ हमारी लॉस हो गई थी 2-3 ट्रेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉफिट क्लास चलता है। और देखिए मैंने एक ट्रेड लगाया है और आराम से विन कर रहे हैं काफी अच्छे डिफरेंस से, ठीक है, इस स्ट्रेटजी बेसिस पे। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी आप कह सकते हो 1 से 2 मिनट के लिए ट्रेड टाइम टेकन के लिए, ठीक है। तो 1 से 2 मिनट का ट्रेड आप इस स्ट्रेटजी बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं स्ट्रेटजी लेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, ठीक है। मैं बता दूं कि मैंने क्या क्या ले रखा है। मैंने एक EMA लाइन ले रखी है जिसका पीरियड मैंने 40 रखा है, एक डीमार्कर ले रखा है जो डिफॉल्ट है, और एक पैराबोलिक ले रखा है जो भी डिफॉल्ट है, ठीक। सारा कुछ हटा देता हूं मैं, ठीक है। कैंडल का पैटर्न आपको जैपनीज कैंडलस्टिक ही लेना है, चार्ट का टाइम आपको 1 मिनट रखना है, ठीक, और ट्रेड का टाइम आपको 1 से 2 मिनट का लेना है, ठीक है। तो आप चले जाएंगे इंडिकेटर वाले सेक्शन पे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल EMA लेना है, हटा देंगे आप, इंडिकेटर में मिलेगा आपको EMA, उसके बाद आप चले जाओगे किसी इंडिकेटर में मिलेगा आपको पैराबोलिक, उसके बाद आपको मिलेगा डी मार्कर आपको मिलेगा ऑसिलेटर्स में, ये रहा डी मार्कर, ठीक है। तो चलिए डी मार्कर में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसको कर लेंगे बार्स में, थोड़ी सी थिकनेस हम डार्क कर लेंगे, ठीक है, कलर आप चेंज कर लो मेरे हिसाब से। इसका थिकनेस आपको 40 कर लेना है, पीरियड 40 कर लेना और थिकनेस बढ़ा लेंगे आप। पैराबोलिक में भी यही काम करेंगे आप, थिकनेस को डार्क कर, आप देखिए विजुलाइजेशन काफी अच्छा हो गया होगा। अब देखिए ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड पॉइंट सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। ये EMA 40 की लाइन जो है ये मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। एक चीज समझिए, सपोर्ट वो होता है कि अगर ऊपर से मार्केट आ रहा है, कहाँ इसने सपोर्ट का काम किया मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ देखिए, इसने थोड़ा सा सपोर्ट का काम किया कि मार्केट ऊपर से गिर रहा था, नीचे आया, फिर इसको क्रॉस किया, लेकिन इसने थोड़ा सा सपोर्टिंग दिया, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ इसने काम किया सपोर्ट का। और ये रेजिस्टेंस का काम कहाँ कर रहा है मैं आपको बता दूं, यहाँ ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ये रोक रहा है कि भाई तुझे ऊपर नहीं जाना है, फिर से मार्केट शिफ्ट होके डाउन आ गया। तो ये EMA 40 का लाइन लगाने का मतलब है ये मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आपको ट्रेड कैसे लेना ये चीज समझिए। देखिए जैसे ही मार्केट नीचे से अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो ये लाइन कैसा काम करेगा, EMA 40 का लाइन रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है। मार्केट क्या करे, जैसे रेजिस्टेंस ही मैं कह देता हूँ, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्या करे, अप चला जाए, ठीक है। तो कैंडल भी कैसी बनने लगे, आपका ग्रीन बनने लगी। दो कंफर्मेशन, तीसरी कंफर्मेशन, पैराबोलिक के डॉट कंटिन्यूअसली स्विच होते हुए दिखे आपको कैंडल के नीचे से, कंटिन्यूअसली देखिए हट समझिएगा, कंटिन्यूअसली स्विच होते हुए कहां दिखे, कैंडल के नीचे से, ठीक। तीन कंफर्मेशन, चौथी कंफर्मेशन सबसे मेजर कंफर्मेशन हमारा डी मार्कर देने वाला है। ये डी मार्कर में तीन लाइनें हैं, 0.3, 0.5, 0.700 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है तो डी मार्कर पे जो बार बनने चाहिए, इसको बार दे, जो बार्स बनने चाहिए वो 0.5 की लाइन से एबव बनने चाहिए, 0.5 की लाइन से कहाँ बनने चाहिए, एबव बनने चाहिए, ठीक है। तब हम एकदम कंफर्म होंगे ट्रेड लेने के लिए, और ऐसे पॉइंट पे हम 1 से 2 मिनट का अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मार्केट EMA 40 की लाइन नीचे से मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा रुक, ये सीधा सा क्रॉस करके जब ऊपर जाए तो जो कैंडल इस लाइन को क्रॉस करेगी या उसमें इनबिल्ड होगी, उसको काटने में तोड़ने में जो, उस पे आपको ट्रेड नहीं लेना, उसे अगली वाली कैंडल पे लेना है। उसे कहाँ लेना है, अगली वाली कैंडल, उसको तोड़ के इस वाले कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है, यहाँ प्लेस करोगे आप, ठीक है। उसके बाद देख लोगे आप पैराबोलिक के डॉट कंटिन्यूअसली कैंडल के नीचे से स्विच होते हुए जा रहे हैं, बनते हुए जा रहे हैं। तीसरा सबसे मेजर कंफर्मेशन आपको मिलने वाला है कि डी मार्कर पे जो बार होनी चाहिए 0.5 की लाइन के ऊपर होनी चाहिए, और कम से कम भाई साहब 3 बार का वेट करोगे, कम से कम 3 बार का। देखिए यहाँ से हम वेट करते हैं 1-2-3, अभी मार्केट यहाँ था, लेकिन 4-5 थोड़ा सा यहाँ कट का कंफर्मेशन ले लेंगे क्रॉस ओवर का, उसके बाद आप देखोगे बार्स कंटिन्यूअसली अबव बन रहे हैं। आराम से हम क्या करेंगे ऐसे प्लेस पे 1 मिनट का अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस। अब देखिए बात आ जाती है डाउन, अब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, EMA 40 की लाइन जो हमारी होगी तो ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है, ये सपोर्ट के लिए काम करेगी।
जैसे ही क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा कि सपोर्ट के लिए काम करेगी, तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर दे, जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक कर देगा, तो ब्रेक करके डाउन जैसे ही आएगा, ये देखिए पैराबोलिक के डॉट क्या हो, कैंडल के ऊपर बनने चालू हो जाए, क्रॉस करके नीचे आ जाए, ठीक है। ऐसे टाइम पे क्या करना है आपको, डाउन का ट्रेड के बारे में देखना है, और आप देखोगे कि डी मार्कर पे जो बार बनेगा जीरो की लाइन के नीचे बनना चाहिए। ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट का डाउनवर्ड का ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है। 1 से 2 मिनट का क्या कर देंगे, डाउनवर्ड का ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ जानी चाहिए। और देखिए इस कैंडल पे प्लेस नहीं करो, इस कैंडल पे आप प्लेस करो, ठीक है। और डी मार्कर पे जो बार होगा जीरो की लाइन के नीचे बने, तो मेरा आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी समझ में आएगी, बहुत आसान स्ट्रेटेजी है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें।